बेटा अगर एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके अपने बीच में बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। सर क्यों बोला जाता है मैं बताता हूँ, उसके पहले मैं मेटल्स का मतलब समझाता हूँ। यू वुड हैव नोन इट बेटर इन चैप्टर नंबर 5 बट अनफॉर्चुनेटली वो हट गया है, नेवर माइंड। बेटा मेटल वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है कितना है? 11 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? 281। हर एक एलिमेंट की इच्छा ये रहती है मेरा आखिरी शेल भरा हुआ रहे। इधर दो ऑप्शन थे, या तो एक निकाल दूँ बाहर या 7 ला लूँ। निकालना ईजी था, तो जिनको लूज करना आसान हो जाता है वो सब क्या हो जाते हैं? मेटल। ठीक है, जैसे देखो अभी तुम्हारा और एग्जांपल अगर मैं लूँगा तो लिथियम वो हो जाएगा 2.1, बेरिलियम 2.2, कैल्शियम 2882 आई सपोज, नहीं हाँ कैल्शियम 2882, मैग्नीशियम 282, ये वाला ऑक्सीजन 2.6 है, तो वो 2 गेन करेगा। ठीक है, तो जो जो लूज करने के लिए रेडी रहेंगे दे आर नोन एज वॉट? मेटल। हाँ, और जो जो एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए रेडी रहेंगे दे बिकम वॉट? नॉन मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन होता है एटॉमिक नंबर 8 मतलब 2.6, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन क्या हो जाता है बच्चा? इसका एटॉमिक नंबर 17 तो 287, तो वो 1 गेन करने का पोजिशन। फ्लोरीन होता है 9 2.7, वो भी 1 गेन करने के लिए रेडी रहेगा। यहाँ तक ठीक है आप लोगों को? क्या बच्चा? कार्बन नहीं, तुम 4 वाले मत देखो अभी, करें उसमें कन्फ्यूज होना शुरू हो गया। तब देखो क्या हो जाता है ना, क्या हो जाता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जिसने लूज किया इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, जिसने गेन किया है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अपोजिट चार्जेस है मतलब आयन्स है यहाँ पे, तो इसके लिए इन बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, वो लोग अट्रैक्ट करते हैं, जिसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी हम लोग देखने वाले हैं। यस निहारिका, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाँ तो मैं 2.1 ही, अच्छा आई एम सो सॉरी, इट इज 2.1, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब देखो अपन लोग कुछ बॉन्ड स्ट्रक्चर्स अभी देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला आपको बोल दिया कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला कहता है NaCl, ठीक है सोडियम क्लोराइड है। पहले आपको Na के बारे में लिखना पड़ेगा, Na का एटॉमिक नंबर था 11 जिसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2.8.1। इसके बाद क्या होने वाला है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है अपनी, तो ये 2.8 हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, खुद ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज को बोलते हैं अपन लोग कटायन, एक कटायन बन जाएगा। क्लोरीन 287, ये एक गेन करने वाला है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 288, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें बोलते हैं अपन लोग अनायन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, Na के पास में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास में वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। खुशी खुशी इसने अपना एक इसको दे दिया, ये भी खुश ये भी खुश, तब स्ट्रक्चर कैसा दिखना शुरू हुआ, तो Na खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जो एक आया था 8वां वो, ठीक है खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ऐसा बन गया। ठीक है, तुमको ये पूरा बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, पूरा सब कुछ दिखाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, बिटवीन सोडियम क्लोराइड, जो भी ऐसा। हाँ, क्लोराइड आयन बोलेगा उसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 2.8.2 से कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन तुम्हारा 8 था कितने गेन करेगा ये, तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो गया बच्चा लोग, ये 2.8। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, मैग्नीशियम के पास 2 थे, ऑक्सीजन के पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। अब क्या किया, ये भी दिया ये भी दिया, ये भी खुश ये भी खुश, क्या हो गया बच्चा लोग, अभी
मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया उसने तो मैग्नीशियम टू प्लस बन गया। ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छः ये बच्चे दो आए, टू माइनस हो गया, कोई इशू यहाँ तक है, बन गया। नेक्स्ट वाला हम देख रहे हैं सोडियम ऑक्साइड, क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, सोडियम का 281, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2.6, दो इलेक्ट्रॉन लिया, ये 2 माइनस 2.8, अब देखिए कैसा हो जाएगा, चलो गे Na एक इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छः, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये खुश हो गया। अब प्रॉब्लम आ गया ऑक्सीजन को, क्या प्रॉब्लम आया बेटा ऑक्सीजन को, बेटा उसके पास में सात ही हुए, एक और चाहिए थे तो मेरे को एक और सोडियम लेके आना पड़ा, ये सोडियम ने भी दे दिया, दोनों सोडियम खुश हो गए, अब ऑक्सीजन भी खुश हो गया। तो देखो सोडियम उसके ऊपर था एक पॉजिटिव चार्ज, बट ऐसे कितने सोडियम यूज़ करना पड़ जाए, दो, तो यहाँ पे लिखा। सर बच्चे भी जगह क्यों नहीं लिखे थे, ये देखो यहाँ पे एक ही यूज़ करना पड़ता था, एक एक लिखते नहीं है ऐसा, यहाँ पे भी देखो एक एक ही यूज़ करना पड़ता इसलिए लिखते नहीं है, यहाँ पे दो यूज़ करने पड़े इसलिए लिखे। ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये टू नेगेटिव चार्ज हुआ, ऐसा एक ही था लिखा नहीं मैंने, फेयर इनफ है यहाँ तक के। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम क्लोराइड में भी, ठीक है, मैग्नीशियम की बैलेंस कितनी हो जाए, वो एटम सेट की जाएगी 282, ठीक है, और क्लोराइड क्लोरीन है कि 287, यहाँ तक है ठीक है, कोई इश्यूज है। अब देखो Mg दो इलेक्ट्रॉन से, क्लोरीन एक दो तीन चार पाँच छः सात, बच्चा लोग ये दिया क्लोरीन खुश, एक दो तीन चार पाँच सात, क्लोरीन खुश, मैग्नीशियम का इशू आ गया, कोई बात नहीं, एक और क्लोरीन आ गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, मैग्नीशियम खुश, क्लोरीन खुश, Mg माँ रुक जा, ये क्लोरीन एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये एक था, इसमें नेगेटिव वन चार्ज, ऐसे दो थे, समझे चीज। एल्यूमिनियम क्लोराइड देख ही लेते अब, चलो इतने देख लिए तो भी, एल्यूमिनियम 13 होता है एटॉमिक नंबर, 283, तो Al 3 प्लस प्लस तीन इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड क्लोरीन 287 प्लस एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस 288, ये देखो अभी ये हो गया तीन, क्लोरीन था एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्लोरीन खुश, एक और लाना पड़ा, एक दो तीन चार छः सात, क्लोरीन खुश बट एक और लाना पड़ा, पाँच छः सात, क्लोरीन खुश, एल्यूमिनियम भी खुश, किस्सा ख़त्म, शिवानी हिमानी क्यों अपसेट है, हाँ क्या हो गया, ठीक है अच्छा। तब देखो ये हो गया एल्यूमिनियम, उसके ऊपर थ्री पॉजिटिव चार्ज हो गया है, क्लोरीन एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसके ऊपर बेटा एक ही ये था, एक नेगेटिव चार्ज है बट ऐसे तीन थे, AlCl3 फॉर्मूला कैसे बन रहा है। नाउ लास्ट वन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम 283, ऑक्साइड ऑक्सीजन है 2.6, दो ऑक्सीजन लाया, दो इलेक्ट्रॉन लाया सॉरी उसने, अब देखो एल्यूमिनियम एक दो तीन, ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छः, ये दिया ये दिया, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई थी, ऑक्सीजन खुश हो गया था, एल्यूमिनियम का इशू आया तो एक और ऑक्सीजन को आना पड़ा, एक दो तीन चार पाँच छः, ये दिया, अब एल्यूमिनियम खुश हो गया बट अब इस ऑक्सीजन को इशू आना शुरू हो गया तो एक और एल्यूमिनियम का आना पड़ा, एक दिया यह ऑक्सीजन खुश हो गया, अब एल्यूमिनियम का इशू आ गया तो नया ऑक्सीजन आना पड़ा, एक दो तीन चार पाँच छः, ये दिया दोनों की लाइफ सेट, देखो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, ऐसे कितने हैं दो, ऑक्सीजन पे 2 माइनस थे सॉरी, ऑक्सीजन का पे स्ट्रक्चर बना लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 2 माइनस थे, ऐसे कितने तीन, ख़त्म। तो बेटा ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो वैलेंसी जो क्रिस क्रॉस जो करते थे अपन लोग बचपने में भी और अभी भी, वो इस कारण से होते हैं,
जब आप लोगों का एक मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है वो कैसे बनाता है, बाय एक्सचेंज ऑफ आयन्स या इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि देखो अब ये क्या है, अपोजिटली चार्ज यानी कटायन और अनायन, कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज और अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज के बीच में बॉन्ड बनता है, तो ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अब आप लोगों को इस पर इतना स्ट्रेस इसलिए दिया जाए, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड्स करके भी एक चीज़ आने वाली है। कोवैलेंट का मतलब शेयरिंग होता है, पर वो तब देखेगा अभी स्ट्रेस का। पहली पॉइंट है इनका स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्यों, अपोजिटली चार्ज है। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है तो तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तीसरी बात जिसका बहुत ज़्यादा सेंस नहीं पता है आप लोगों को, बट स्टिल बेटा ये लोग ना मेजरली पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, बट बचे सॉल्वेंट जो है तुम्हारे केरोसिन और वगैरह जो सब कुछ चीज़ें रहेगा उसमें सॉल्युबल नहीं रहते यूजुअली, ठीक है, क्यों वो छोड़ो। चौथा पॉइंट देखो, ये जो भी मेटल्स थे, अरे यार ये जो भी तुम्हें कंपाउंड्स थे ये आयन से फॉर्म हुए थे, तो वो याद है अपने एसिड बेसिस में पढ़ा था, अगर अपन लोग HCl को एक्वा स्टेट में कर रहे हो तो ही वो H+ बनाएगा, वैसे इनके साथ भी होता है। अगर मान लो मैंने सूखी क्या बोलते हैं इसको वो ले लिया सॉल्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश किया तो वो तब नहीं कर पाएगा, सॉलिड स्ट्रक्चर में उसके आयन्स फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहे। बट यही अगर ने पानी में डाला यानी एक्वस कर लिया, ठीक है, या मोल्टन स्टेट में लाया हुआ है, तो या तो एक्वस या मोल्टन स्टेट में है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर पाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पा रहे मतलब चार्जेस आ गए, चार्जेस अगर है इसी कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। इसी कारण से याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, तब हम लोगों ने जब डिस्टिल्ड वाटर लिया था उसमें आपसे एसिड डलवाया गया था, एसिड की जगह आप सॉल्ट वगैरह भी डाल सकते थे उसकी कंडक्टिविटी करने के लिए, समझा। तो चार पॉइंट्स आगे हो गए, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई, इस कारण से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई, तीसरा क्या था बच्चा अपने को ये पानी में सॉल्युबल होते हैं बच्चे इसमें सॉल्युबल नहीं होते, चौथा ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोई इशू है यहाँ तक किसी को, पक्का बेटा? यहाँ पे जितना सेंटर पॉइंट वालों को टेस्ट में आ रहा था वो खत्म होता है, पहले हम लोग यहीं तक कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग येस वी विल बी रिवाइजिंग विद दैट एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट भी। ओके चलिए गाइस, यू कैन स्टार्ट लीविंग।